मंगलवार की रात्रि को तहसील घुवारा अंतर्गत भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से खड़ी फसलों में भारी नुकसान हुआ। इसकी जानकारी लगते ही क्षेत्रीय विधायक और नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त प्रद्युम्न सिंह लोधी सुबह से ही ओलावृष्टि से प्रभावित ग्रामों का दौरा करने पहुंच गए। खेतों में जाकर नुकसान का आकलन किया और किसानों को ढांढस बंधाया तथा हर संभव मदद देने की बात कही। मौके से जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह को अवगत कराते हुए SDM बड़ा मलहरा नाथुराम गौड़ को ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों की जांच के आदेश दिए हैं। नुकसान तो है, हमने भी देखा है, आपने अभी वीडियो भी बनाए होंगे, उसमें भी नुकसान आ रहा है। ओले के साथ हवा ने भी नुकसान किया है। आंधी थी रात में ही हमारे पास वीडियो भी लगातार आ रहे थे और मैंने तत्काल रात में SDM किया। तत्काल SDM सुबह 7 बजे से आज घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र में, रामडोरिया से लेके यहाँ पूरा देवपुर दलीपुर, ये पूरा जो बेल्ट है जहाँ से ओलावृष्टि हुई है लगातार, वो तो एक उसमें ही चलती है और हम लोग भी लगातार इसमें देख रहे हैं। और कलेक्टर साहब ने भी आदेश कर दिए हैं, यहाँ जो भी जांच अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे, पटवारी यहाँ के सर्वे करेंगे और जो भी नुकसानी होगी वो सरकार तक भेजेंगे और निश्चित रूप से किसान के साथ सरकार खड़ी है और खड़ी दिखेगी। हाँ, आज कल जो रात में कुछ कुछ जगह बारिश और ओले गिरने की शिकायतें आई हैं, मैंने सभी SDM से बात की है तो बड़ा मलहरा और बिजावर SDM ने बताया है कि वहाँ कुछ एक दो गांवों में ओले गिरे हैं, परंतु अभी उसकी क्या स्थिति है उनका कहना था, तक प्रथम दृष्टया तो ऐसा नहीं लगता है कि इतना नुकसान हुआ हो कि राहत की आवश्यकता हो। फिर भी मैंने SDM तहसीलदार और पटवारियों से कहा है कि गाँव में जाएँ कि वो सर्वे करें। मैं खुद भी अभी बड़ा मलहरा क्षेत्र में जा रहा हूँ, एक दो गाँव में जो जहाँ बताया गया भेलदा देवसर के एरिया में, देखेंगे अगर वहाँ नुकसानी हुई है तो उनकी मदद की जाएगी।